नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबर। सात फरवरी को होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 फरवरी को चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त V.S. संपत ने कहा कि चुनाव के लिए 11,763 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 1,30,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना 10 फरवरी को होगी। दूसरी ओर कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव के नतीजों से भगवा खेमे में काफ़ी उत्साह है। बोर्ड की 8 में से 5 सीटें भाजपा को मिली हैं, जबकि 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में 1 सीट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही है। मोदी के गढ़ वाराणसी में भाजपा को बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में भाजपा के 7 उम्मीदवार हार गए हैं। सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसके साथ ही लखनऊ और आगरा कैंट बोर्ड चुनाव में भी भाजपा को नाकामी मिली है। फिल्म अभिनेत्री का अश्लील वीडियो रिलीज। सीग्रेट फिल्मों के निर्माता और निर्देशक कांति शाह पर एक एक्ट्रेस ने अश्लील वीडियो रिलीज करने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस के आरोप के अनुसार निर्देशक ने उसकी ओरिजिनल तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और नया अश्लील वीडियो बनाकर रिलीज किया। अभिनेत्री ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस थाने में डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसने बताया कि कांति शाह ने फिल्म हंटेड जंगल के प्रमोशन के लिए कुछ शॉट्स लिए थे, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल शॉट के साथ छेड़खानी कर भद्दा वीडियो तैयार किया। एक्ट्रेस ने कहा कि वीडियो रिलीज होने के बाद से मेरे पास कई अनचाहे कॉल्स आ रहे हैं और गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, साध्वी प्राची ने कहा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में साध्वी डॉक्टर प्राची ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। साध्वी ने भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है, हालांकि साक्षी महाराज ने अपना बयान वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार तो अच्छी बन गई है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन सरकारों से नहीं संस्कारों से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।